अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम नगरी में इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में है और उसी रफ्तार से मंदिर निर्माण की भी तैयारी की जा रही है। राम मंदिर के निर्माण के काम में अपने अंतिम चरण में दिखाई दे रहा है। राम मंदिर की पहली मंजिल करीब करीब बनकर तैयार है और अगले महीने भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते ही मंदिर की दूसरी और तीसरी मंजिल को बनाने के काम में और स्पीड लाई जाएगी। मशीन की धार सहकर खुशी खुशी पिस रहे हैं। कारीगर के हाथों मार खा खा कर निखर रहे हैं। ये पत्थर अब बस दिन गिन रहे हैं। ये पत्थर राम लला के चरणों में अर्पित होने के लिए तड़प रहे हैं। ये पत्थर राम मंदिर की दीवारों में हमेशा हमेशा के लिए समा जाने का इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ये पत्थर दिन रात तराशे जा रहे हैं। उन पर खूबसूरत नक्काशी हो रही है। पत्थरों को चमकाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। राम मंदिर की पहली मंजिल लगभग तैयार है। 22 जनवरी को राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर मंदिर के दूसरे और तीसरे फ्लोर का काम और भी तेजी पकड़ लेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए एक एक पत्थर, एक एक कारीगर और एक एक मजदूर का योगदान है। और यहां पर आप देखें कि पत्थर को सजाने, सवारने और उसको चमकाने का काम चल रहा है। हमारे साथ में प्रमोद मजूमदार साहब हैं। ये जो पत्थर क्या सेकंड और थर्ड फ्लोर के लिए? ये सेकंड और थर्ड फ्लोर के लिए जैसा मंदिर का डिजाइन निर्धारित है, उस मंदिर के डिजाइन के अनुसार इसको पत्थर को वहां लगाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाएगा। पांव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। मगर प्लान इस तरह बनाया गया है कि मंदिर के दूसरे और तीसरे फ्लोर के निर्माण में भी कोई खलल नहीं पड़ेगा और श्रद्धालु राम लला के भी दर्शन कर सकेंगे। इनमें हर एक पत्थर जब राम मंदिर के निर्माण का हिस्सा बन जाएगा, तब अनुभाई सोमपुरा का बरसों का इंतजार खत्म होगा। अनुभाई सोमपुरा वो शख्स है जिन्होंने 1990 में राम मंदिर के निर्माण के लिए आए पत्थरों की पहली खेप तराशी थी। गुजरात के अनुभाई सोमपुरा की निगरानी में ही अयोध्या में पहली बार पत्थर आए थे और उन्हें तराशने का काम शुरू हुआ था। जब राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा ही था, अनुभाई सोमपुरा ने तभी अयोध्या में मंदिर बनवाने का प्रण ले लिया था। कोई कारीगर मजदूर उनके साथ अयोध्या जाने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने खुद ही बीड़ा उठाया और गुजरात से अपना घर बार छोड़कर अयोध्या पहुंच गए। मैं 1990 से यहाँ आया था तो सीबी सोमपुरा जी आर्किटेक्ट है, उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था कि आप अयोध्या जाइए 5 कारीगर लेके। लेकिन मैंने कारीगर को पूछा तो कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद हमारा छोटा भाई और मेरा एक लड़का, हम तीनों आए थे यहाँ पर।
अनु भाई सोमपुरा जब अयोध्या आए थे तो उनके साथ कारीगर नहीं थे, मगर राम मंदिर आंदोलन की ऐसी बयार चली कि अनु भाई सोमपुरा के साथ 150 कारीगर जुड़ गए। और तो और, दो पत्थरों से हुई शुरुआत के बाद ट्रक के ट्रक भरकर पत्थर आने का सिलसिला चालू हो गया। अनु भाई सोमपुरा ने गुजरात में अपना घर तो छोड़ा ही, अपना जीवन भी राम मंदिर के नाम कर दिया। राम मंदिर के लिए पत्थर तराशते तराशते उनके बाल सफेद हो गए, मगर वो वापस नहीं गए। मैं 45 साल की उम्र में ही आया था। अच्छा, तो अभी 84 साल की उम्र हो चुकी है, और जिसने लड़ाई लड़ी मंदिर के लिए वो मंदिर देख नहीं पाए। आज हम जिंदा है, हम मंदिर बना के जाएंगे। अनु भाई सोमपुरा को उनकी भक्ति और मेहनत का फल भी मिला। राम मंदिर की नींव में 1990 में आए पत्थरों की उसी खेप का इस्तेमाल हुआ है जो अनु भाई के सामने आई। पहले हर मुकम्मल तैयारी कर ली जानी चाहिए, और इसीलिए तमाम तरह के हम देख रहे हैं एहतियात बरते जा रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं। 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में ही रहेंगे, जहां पर एयरपोर्ट का वो लोकार्पण करने वाले हैं। और इसी तरह से अयोध्या के अंदर बस स्टॉप को भी नया बनाया गया है, रेलवे स्टेशन को और ज़्यादा पहले से और मजबूत किया गया है, और वहां पर भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने की पूरी कोशिश की गई है। रवि न्यूज 18 इंडिया के इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद है। रवि, नया साल, नई अयोध्या और भक्तों का ऐसा ताता जो आज के पहले अयोध्या ने नहीं देखा था, क्या चल रहा है अभी? पूरे देश में इस तरीके का जो समारोह या कार्यक्रम अभी तक शायद पूरे इतिहास में नहीं हुआ, क्योंकि अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, और उससे पहले कई महीने पहले से यहाँ पर लोगों का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है। भक्त लगातार आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि VHP की तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से, खास करके ट्रस्ट की तरफ से ये अपील ये कही गई थी, की गई थी कि 22 जनवरी को देखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो कोशिश ये होनी चाहिए लोग कि अपने घरों पर TV स्क्रीन से देखें, वहां से देखें, क्योंकि अयोध्या की भी एक कैपेसिटी है और यहाँ पर जो प्रशासन की भी एक कैपेसिटी होगी कि इतने बड़े लेवल पर, क्योंकि पूरा देश यहाँ पर उमड़ना चाह रहा है, तो ऐसे में उनको ठहराना, उनके खाने पीने के इंतजाम और सिक्योरिटी की व्यवस्था, ये तमाम चीजों की चैलेंज होगा। तो अपील की गई है कि कम से कम लोग आए, भीड़ लगातार बढ़ रही है, तो लोग देश के अलग अलग हिस्सों से पहले से ही आ रहे हैं अयोध्या। और जो रिपोर्ट अभी आपने देखा, जो दर्शक न्यूज 18 इंडिया के देख रहे हैं, उन पत्थरों को हाथ जोड़कर खड़े हुए थे तमाम ऐसे दर्शक हैं, चाहे वो साउथ इंडिया को हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों से, तमाम जो दर्शक पूरे परिवार के साथ में, ग्रुप के साथ में 50-50 की संख्या में आ रहे हैं और उन पत्थरों को प्रणाम कर रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि 22 जनवरी के कार्यक्रम में हो सकता है कि वो ना आ सके भीड़ की वजह से, तो पहले से ही अयोध्या को सजाते संवारते देख लेना चाहते हैं, उस जगह पर देख लेना चाहते हैं, पहुंच जाना चाहते हैं, जिसके लिए वर्षों का इंतजार चल रहा था तमाम लोगों को, और बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इसमें खपा दी है। बिल्कुल, और इसलिए रवि मुश्किल भी शायद ऐसे में हो जाएगा। अपील तो लोगों से जरूर की जा रही है कि आप कम संख्या में पहुंचे, लेकिन हजारों साल का ये लंबा इंतजार, और ऐसे में भक्त अयोध्या पहुंचने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, क्या उसे लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है? एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार है क्या रवि? बिल्कुल, एयरपोर्ट लगभग तैयार हो गया है, फिनिशिंग का काम चल रहा है, साफ सफाई भी चल रही है, और एयरपोर्ट के ठीक पास में, अगर एयरपोर्ट के एंट्री गेट से जाते हैं तो राइट साइड में दाहिने तरफ एक पूरा पंडाल लग रहा है, वहां पर संबोधित भी करेंगे, इस तरीके की योजना है। और अभी तक जो प्लानिंग है, जो स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी कहा गया है कि रोड शो भी कर सकते हैं, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, तो न सिर्फ एयरपोर्ट का उद्घाटन, बल्कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो साथ के साथ वहां पर एक रोड शो भी हो सकता है, और उससे लेकर भी तैयारी की जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल अयोध्या की जो छटा है वो बहुत निराली है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के बाद बीजेपी
जी और VHP रामलला के दर्शन का महाअभियान चलाएगी। ये अहम खबर और इसके तहत हर दिन करीब 4000 लोगों को अयोध्या ले जाकर भव्य राम मंदिर में रामलला के दिव्य दर्शन कराए जाएंगे। इस बारे में जानकारी दी है VHP के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने, जिन्होंने बताया कि रामलला के दर्शन के महाअभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में इसे बांटा गया है। हर दिन लगभग 4000 लोगों को एक या फिर दो विशेष ट्रेनों से अयोध्या लाया जाएगा। उन सभी को दर्शन भी कराए जाएंगे। उनके महाअभियान की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से की जाएगी। मंदिर और मैं विश्वास करता हूं कि 7 करोड़ से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद में देश को अलग अलग हिस्सों में बांटा है और वो बांट करके प्रतिदिन लगभग 4-4.5 हजार लोग एक या दो विशेष ट्रेनों से हम अयोध्या लेके जाएंगे। उनको सबके दर्शन कराएंगे और सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को 25 जून को लेके जाएंगे। बीजेपी सांसद और भोजपुरी सिनेस्टार रवि किशन ने यह बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में 25,000 हवन कुंड लगेंगे और हर हवन कुंड पर एक ब्राह्मण बैठकर श्लोक पढ़ेंगे और इस मंत्रोच्चार के बीच रामलला अपने नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। पूरे विश्व को इंतजार है, भारत को नहीं, पूरे विश्व को, क्योंकि सोचिए इतना अद्भुत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि उन्होंने 25,000 हवन कुंड लगेंगे और उस दिन 25,000 ब्राह्मण एक साथ बैठेंगे और श्लोकों का और मंत्रों का उच्चारण होगा प्रभु राम के पूरा प्राण प्रतिष्ठा में। तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पूज्य योगी महाराज जी को कि ये दिन समस्त भारत, जितने भी सनातनी विचारधारा के लोग विश्व में हैं, उनको दिखाने जा रहे हैं और उस दिन 22 जनवरी को उत्सव होगा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले दिग्गजों का अयोध्या दौरा जारी है। सोमवार को कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर राजा भैया ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा सभी सनातन धर्म के मानने वालों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने जीवन काल में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित रहकर ये दर्शन कर पाएंगे। सभी लोगों के लिए, सभी सनातनियों के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के जीवन काल में प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहने का, दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। आदरणीय चंपत जी भाई साहब ने जिस तल्लीनता के साथ पूरे मंदिर निर्माण कार्य को देखा है, संचालित किया है, उनकी सराहना में शब्द पर्याप्त नहीं है। तो 22 जनवरी की तारीख अब बहुत दूर नहीं है और ऐसे में अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लोगों के जाने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में मशहूर कवि कुमार विश्वास भी अयोध्या पहुंचे, पवित्र सरयू नदी पर पूजन अर्चन किया। कुमार विश्वास ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी किए। इस दौरान कुमार विश्वास ने कहा कि राम मंदिर पर 500 वर्षों की तपस्या अब पूर्ण हो रही है। उन्होंने कहा ये दुर्भाग्य है कि ऐसा समय हम लोगों को देखना पड़ा और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र आने के बाद भी राम मंदिर राजनीति का विषय बना रहा। पांच सौ वर्ष की प्रतीक्षा पूरी हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा समय सबको देखना पड़ा। यह और दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र आने के बाद भी वो मंदिर राजनीति का विषय बना, जबकि पारस्परिक सहमति से सबको ही स्थान छोड़ देना चाहिए था कि ये तीन जगह तो जहाँ तीन देवता निवास करते हैं छोड़ दी जाए, लेकिन उन सभी शक्तियों का आभारी कि जिन्होंने, और विशेष रूप से भगवान का, जिन्होंने इस समय को हम लोगों को इस काम के लिए चुना कि हम उनके द्वार की दो ईंट सीधी रख सकें।